100 দিনের কাজের টাকা দ্রুত প্রদান, 100 দিনের কাজকে 200 দিন করা, দ্রুত 100 দিনের কাজ শুরু করা, সার্ভে হওয়া জমির পাট্টা প্রদান সহ 8 দফা দাবির ভিত্তিতে মেটেলির বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হলো। আজ মেটেলি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে চালসা থেকে মিছিল করে গিয়ে বিডিওকে ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পা ভাঙা অবস্থায় জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি দীপক ভুজেলকে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সহসভাপতি দীপক ভুজেল, ব্লক সভানেত্রী স্বপ্না ওরাও, তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা প্রমুখ। মেটেলির বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস দাবির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি দীপক ভুজেল বলেন, আমাদের দাবি পূরণ না হলে আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সহসভাপতি মায়াং শর্মা, ব্লক যুব অবজারভার প্রতাপ চন্দ্র দাস, মাইনরিটি সেলের ব্লক সভাপতি মুন্না খান, বাতাবাড়ি 2 নম্বর যুব অঞ্চল সভাপতি মোহাম্মদ হালিম, পঞ্চায়েত সদস্যা রীনা ভুজেল, পঞ্চায়েত সদস্যা সরিতা থাপা, পঞ্চায়েত সদস্যা পরমিলা রায়, ছিলেন দীনেশ শর্মা, কৃষ্ণা তামাং, অমল রায়, রমেশ সিং, মধুসূদন শাহ ও অন্যান্যরা। চালসা থেকে অর্পিতা মৈত্র, রিপোর্ট চালসা টাইমস। मटेली बताबड़ी 1 JP दीपक भुजेल का नेतृत्व में, सपना भुजेल का नेतृत्व में, सपना उराव के नेतृत्व में तमाम यहाँ के जो भी बेनिफिशरीज है 100 दिन के काम किया है। विगत 7 महीना से ज़्यादा समय, ओवरऑल मैं ब्लॉक का बोल रहा हूँ, काम करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जो अटकाया गया 100 दिन का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे गरीब लोग हैं, पूजा दुर्गा पूजा सामने आ गया, बच्चों का कपड़ा खरीदना है, पूजा में घूरना है, ये एक चिंता का विषय यहाँ का जो श्रमिक है इन लोगों का सता रहा है। इसीलिए आज BDO साहब का यहाँ के सभी जो बेनिफिशरी से काम करने वाले जो हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ का सपना उराव, दीपक भुजेल, हालिम, तमाम पंचायत मेंबर, प्रधान, ये सभी यहाँ है, जल्द से जल्द पैसा मिले। और क्या क्या मुद्दा को लेकर आए थे आप लोग यहाँ? बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि 100 दिन का काम है, 100 दिन को 200 दिन करना, ये एक मुद्दा है। इस इलाका सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो गया, पट्टा अभी तक मिला नहीं, लेकिन पंचायत समिति के सभापति और BDO से बात करने के बाद ये पता चला, पूजा का पहले पहले जहाँ तक संभव हो 100 परिवार के अंदर उन लोगों को पट्टा दिया जाएगा, ये आश्वासन हमें मिला है, बहुत ही खुशी की बात है। तीसरा बात रहा, यहाँ एजेंसी के द्वारा जो टेंडर किया गया था BDO ऑफिस से, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी ये CC रोड जो हुआ था करने का बात, ये अभी तक हो नहीं रहा, ये भी दावे में लिखा गया है। तो ये तमाम मुद्दा है। 1 नंबर GP का बहुत ही अहम मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है, इस मुद्दा लेकर यहाँ का पब्लिक BDO ऑफिस पर आए हैं। अगर पूजा का पहले नहीं होता, ये भी कहना है कि इसके किस रूप से हम सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो BJP का सरकार है, ये मोदी का सरकार, वो गरीब लोगों का बात करता है, लेकिन बहुत सारे आज BDO ऑफिस में गरीब लोग आए हैं, पैसा के लिए ही आए हैं, किस वजह से अटका हुआ है ये आंदोलन, मोदी का विरोध में, केंद्र सरकार का विरोध में, और भी व्रत आकर ये धारण करेगा, मुझे ये ऐसा लग रहा है। आज 1 नंबर GP का जितने भी हमारे NRJS का जो वर्कर है, काम करने वाला, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। विगत 7 से 8 महीना साल भर हो रहा है काम किया है, उनका वो पैसा नहीं मिल रहा है। साथ ही में हमारे ये POMI घर आवास योजना, ये घर का 2019 में ये हुआ था, सर्वे हुआ था, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा। ये सब हमारे मुद्दा उद्दा लेकर हम लोग सीधा केंद्र सरकार का विरोध में आज हम लोग रोड में उतरे हैं। आज जुबो पार्टी ऑफिस से लेकर BDO ऑफिस तक हम लोग केंद्र सरकार का विरोध में ये आंदोलन छेड़े हैं। आज यहाँ नहीं होगा, ये हम लोगों को पूजा का तक नहीं मिलता है, इसके बाद हम लोग SDO जाएंगे, DM जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी जाएंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे। हम लोगों का आंदोलन अब हम लोग शुरू हो चुका है। तो रैली करके आप लोग आए? जी, एकदम चालसा पार्टी ऑफिस, जुबो पार्टी ऑफिस से रैली करके आए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ साथ में है, तमाम पंचायत मेंबर भी, पंचायत मेंबर सभी है हमारे 1 नंबर GP के पंचायत मेंबर। अरे आप यह अंदाजा लगा ही सकते हैं, यहाँ पर 800 तो हो गए। 46वां वर्षेर सार्वजनीन दुर्गोत्सव परिचालनाय उत्तर चुपचरा पीपल्स क्लाब, এবারের আকর্ষণ ঘরের কুড়ে ঘরের আদলে মণ্ডপ সজ্জা ও আলোক সজ্জা, সকলের সাদর আমন্ত্রণ। 83তম বর্ষের সার্বজনীন দুর্গোৎসব
পরিচালনায় চালসা শালবনী সংঘ। এবারের আকর্ষণ কাল্পনিক বড় মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা, সকলের সাদর আমন্ত্রণ।